नमस्कार बच्चों, पिछले बार मैं जो गृह कार्य दी हूँ वो पूरे किए हैं ना। अभी मैं वो उत्तर दिखाऊंगी, आप जांच कीजिए। सही उत्तर है तो आप सही चिन्ह लगाइए। व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहा जाता है। पहला उत्तर है संज्ञा, खालिस्तान में संज्ञा लिखना है बच्चों। दूसरा है संज्ञा के पांच भेद है। दूसरा उत्तर है पांच। आज हम संज्ञा के पांच भेद उदाहरण सहित सीखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू एक विशेष व्यक्ति का नाम है ना, जवाहरलाल नेहरू माने हमको पता चलेगा जवाहरलाल नेहरू। ताजमहल, ताजमहल मशहूर प्रसिद्ध स्थल का नाम है इसलिए ताजमहल। इसी तरह भारत, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है बच्चों, क्योंकि भारत हमारा देश है, देश देश का नाम पता चलता है इससे, इसलिए भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह हैदराबाद, हैदराबाद माने एक नगर का नाम है, हैदराबाद तेलंगाना में है ये सब पता चलता है, इसलिए हैदराबाद बोलने से व्यक्तिवाचक संज्ञा हमको पता चलता है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह नटराज पेंसिल आदि शब्द आप लिख सकते हैं। वाक्य में अभी मुझे ताड़ेपल्ली गुड़म जाना है, इस वाक्य में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ताड़ेपल्ली गुड़म, यह सब ताड़ेपल्ली गुड़म व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब ये गांव का नाम है वह पता चलता है, गांव का नाम क्या है हमको पता चलता है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के और कुछ उदाहरण, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा लिखना है बच्चों हिंदी में, मदर टेरेसा, गांधी, लाल बहादुर शास्त्री आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या स्थान की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, आदमी कौन है वो आदमी पता नहीं, आदमी माने कोई भी हो सकते हैं, आदमी, स्त्री, स्त्री जाति पूरे जाति के बारे में पता चलता है, अध्यापक कौन सा अध्यापक का नाम क्या है हमको पता नहीं, इसलिए अध्यापक जातिवाचक संज्ञा है बच्चों। लड़का, मछली, मछली भी पूरी जाति के बारे में बताता है इसलिए मछली, गाय, शहर इत्यादि शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है बच्चों। वाक्य में घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में घोड़ा, घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह लड़की जा रही है, इस वाक्य में लड़की जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा लड़की है हमको पता नहीं इसलिए पूरे जाति के बारे में पता चलता है, इसलिए यह वाक्य यह शब्द जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह जाति, जातिवाचक संज्ञा में हाथी एक जाति के बारे में पता चलता है, हाथी, कुत्ता, सांप, तितली, बालक आदि शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है बच्चों। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी गुण, दोष, भाव, स्थिति अथवा दशा के नाम का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक अर्थात किसी शब्द से हमको दोष, गुण नहीं तो स्थिति का स्थिति कैसा है और दशा, दशा हमारे जीवन में कई दशा है तो दशा कैसा है ये सब इनके नाम का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, खटास, ऊंचाई, अमीरी, जवानी, बचपन इत्यादि शब्द भाववाचक संज्ञा है। अभी वाक्य में देखिए, उसकी गरीबी देखकर मुझे दया आई, इस वाक्य में गरीबी, गरीबी एक भाववाचक संज्ञा बच्चों, गरीबी माने एक स्थिति है, स्थिति को देखकर मुझे दया आई, दया एक गुण है, दया आई। इसी
तरह बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापा जीवन में हमारी दशा है। बुढ़ापा क्या वाक्य क्रिया शब्द भी भाववाचक संज्ञा है बच्चों। इसी तरह भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण, प्रसन्नता, इसका मुंह देखो प्रसन्नता है। इसी तरह ऊंचाई, ऊंचाई और दया, इस पर औरत को दया आई। क्रोध, इसका मुंह देखो क्रोध का। भाववाचक संज्ञा है, सब भाववाचक संज्ञा है बच्चों। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, माने जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चीनी, पानी, कोयला, मिट्टी, अनाज, गेहूं इत्यादि शब्द, ये सब शब्द संज्ञा तो है लेकिन इन्हें मापना तोलना पड़ता है। देखो चीनी, पानी मापते हैं ना। देखिए और कुछ उदाहरण, चावल, दाल, ये सब चीज द्रव्यवाचक संज्ञा है बच्चों। एक ग्राम सोना लेना है, वाक्य में लेने से इस वाक्य में सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। एक ग्राम सोना लेना है, एक ग्राम धातु है ना, सोना माने धातु, धातु धातु का नाम सोना है। तो एक ग्राम सोना लेना है, इसको हम मापते हैं इसलिए ऐसा द्रव्यवाचक संज्ञा है। दो लीटर तेल देना, तेल, तेल भी लीटर में हम मापते हैं, इसी तरह तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है बच्चों। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण चांदी और दूध, पानी इत्यादि शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है बच्चों। पांचवा है समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा, जो शब्द पूरे समुदाय या समूह को प्रकट करते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दल, दल में बहुत लोग होते हैं ना, दल, पंक्ति, झुंड, कक्षा आदि शब्द समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है बच्चों। वाक्य में लेने से सेना आगे बढ़ रही है, इस वाक्य में सेना समूहवाचक संज्ञा है बच्चों। इसी तरह बच्चों की टोली होली खेलने लगी, होली खेलने के लिए बच्चों की टोली, टोली माने बहुत सारे बच्चे मिलके गए हैं इसलिए टोली समूहवाचक संज्ञा के शब्द। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण प्रार्थना सभा, हम भी जाते हैं ना प्रार्थना सभा सुबह सुबह, परिवार और कक्षा, हमारा कंप्यूटर कक्षा ऐसे ही होता है ना, कक्षा, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी तक संज्ञा के भेद के बारे में सीखे ना, अभी मेरे साथ दोहराइए। संज्ञा के भेद, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, अभी मैं गृह कार्य दे रही हूँ, दो वाक्य दे रही हूँ, उनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है पहचान कर आप लिखिए बच्चों। संतोष खेल रहा है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है पहचान कर लिखिए। मैं भारतीय विद्या भवन में पढ़ता हूँ, इस वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा है पहचान कर लिखिए। धन्यवाद।